नवरात्रि का पावन पर्व इन दिनों बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, जहां माता के पंडालों में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी बीच इंदौर में सफाई मित्र के बच्चों ने गरबे के माध्यम से सफाई के विशेष संदेश के साथ गरबे की शानदार प्रस्तुति दी। वहीं इस कार्यक्रम के मौके पर निगम आयुक्त शिवम वर्मा भी शामिल हुए और सभी का उत्साहवर्धन किया। देखिए ये रिपोर्ट। सफाई हमारे जीवन का कितना महत्वपूर्ण भाग है, संदेश को गरबे के माध्यम से समझाया है इंदौर की बच्चियों ने। जी हां, नवरात्रि के दौरान इंदौर के राज मोहल्ला में आयोजित एक गरबा कार्यक्रम में सफाई मित्र की बच्चियों ने गरबे के माध्यम से सफाई का विशेष संदेश जनता को दिया है। वह इस कार्यक्रम में नगर आयुक्त शिवम वर्मा भी शामिल हुए, जिन्होंने सफाई मित्रों की मेहनत को सराहते हुए सफाई के प्रति लोगों को जागरूकता का संदेश दिया। यह कार्यक्रम वाल्मीकि समाज के लोगों द्वारा आयोजित किया गया था। उपस्थित सभी देवियों सज्जनों, प्यारे बच्चों, आप सब लोग को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग का जो प्रस्तुतिकरण था देखकर बहुत अच्छा लगा, और यकीन मानिए आपके माता पिता या भाई बहन बहुत मेहनत करते हैं, उसी कारण से इंदौर शहर सफाई में नंबर वन रहता है। एक बार सबके लिए ताली बजाइए आप लोग। और जिस तरह से आपने ये डांस किया, उसी प्रकार से हमारे सफाई मित्र बहुत मेहनत करते हैं, सुबह निकलते हैं, गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, लेकिन सुबह अपना सफाई मित्र समय पर निकलता है, बहुत मेहनत करता है, और उन्हीं की मेहनत से इंदौर शहर नंबर वन रहता है। मैं आप सब लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इन्हीं प्रयासों से इंदौर आठवीं बार भी नंबर वन बनेगा। इंदौर बनेगा नंबर वन, बोले इंदौर बनेगा। चलिए, आप सब लोग को शुभकामनाएं, हम सब लोग बच्चे आए हैं। वही गरबा उत्सव के दौरान निगम आयुक्त के साथ अपर आयुक्त अभिलाषा मिश्र, रोहित सिसनिया, महापौर, प्रतिनिधि भरत पारक सहित वाल्मीकि समाज के कई लोग शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।